तो गाइस बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। एक दे तो ड्रेस पहन के जा रहा है, एक नहीं जा रहा है, एक कह रहा है 10 तारीख के बाद जाऊंगा ड्रेस पहन के। ये देखो सुबह सुबह ना मेरा इनको बटाना और स्कूल भेजने का ये काम होता है, तब जाके मैं और काम करती हूँ दुकान का। इनको खिलाओ पिलाओ। ये देखो वहाँ चले गए, रोड में गाड़ी आने वाली है इनकी। पहन के देख, इसको पहन के दिखा पहले। अरे पहन के दिखा ना। अरे दिखा रहे, मेरे जौकर जैसी हो रही हूँ मैं देख, भुतड़ी जैसी हो रही हूँ सुबह सुबह यहाँ। अरे इधर आ रहे मेरे ब्लॉग में थोड़ा। कैसे बच्चे हैं यार, लोगों के बच्चे कितने अच्छे होते हैं, मेरे बच्चे पता नहीं कैसे हो गए। एक बच्चा ये है दिन भर जो मेरे साथ रहता है, मेरा बच्चा। ओ मेरा बच्चा, ये तो मेरा छोटा बेबी है ब्रूनी। अड़गी है यार, हगा दो उसको, हगा दो यार। कब से कह रहा हो मेरे को हगा दो करिए। अगड़गी अरे यार उसको, अरे उसका गु आ जाएगा रे, जल्दी हगा दो उसको। यग्गू के साथ दौड़ लगाता है, यग्गू के पीछे। मैं तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ, आज गाड़ी में बैठ रहे हो देव। ये देखो आ गई बच्चों की गाड़ी, बच्चे बैठ गए गाड़ी में। अब करती हूँ मैं काम, अब मेरा है दुकान का काम करने का। बच्चे चले गए, थोड़ी शांति होगी। बाय बाय। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ हैं मस्त हैं। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और मैंने बच्चों को ना स्कूल भेज दिया है और सुबह नाश्ता बना बुनू के खिला पिला के भेज दिया है। तो यार मैंने कहा थोड़ी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं आज। तो यार अभी ना सारा काम हो गया है, अब दुकान का काम संभालना है मैंने। यार ना मैं आज दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ ब्लॉग, बहुत वीवो फ़ोन। और मेरा ना वन प्लस मेरा बच्चा जिद कर रहा था, तो मैंने अपना फ़ोन उसको दे दिया है। मेरा बेटा 10 पास हो गया ना, उसने कहा था मम्मी मेरे को दे देना 10 पास हो गए, और मेरा काम भी आता है और मैं भी अब फ़ोन चलाऊंगा अपना। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाद में मैं सोच रही हूँ। अभी तो ये नया फ़ोन लाए हैं और ऐसी है सस्ता है 12,000 का वीवो का फ़ोन, तो मैंने कहा इसी से काम चला लूँगी मैं थोड़े दिन। फिर बाद में मैंने सोचा है अपने लिए गोप्रो लूँगी। गोप्रो लेना है मैंने पक्का कैमरा, तो देखते हैं क्या होता है आगे को, जैसे भगवान जी की इच्छा है। चाहे मेरा ब्लॉग चले न चले, मतलब वीडियो मैं रोज़ बनाऊँगी, ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगी, और तो अपने लिए ज़रूर लूँगी मैं गोप्रो। ठीक है बच्चों को भेज दिया, सबसे पहले ना ये काम हो जाता है तो फिर सारा काम हो जाता है। तो अभी मैं दुकान में हूँ फिलहाल और दुकान के काम की तैयारी कर रही हूँ। सुबह मैंने पानी हानी भरना सारा कुछ कर दिया है, और अब मैंने नाश्ते की तैयारी, मतलब सब्जी बना दी है और आलू पेस्ट और आटा गूंथ के रख दिया है। सुबह अभी नाश्ते में कोई आएंगे तो चाउमीन उबाल के रख दिए हैं, और अब ना मैं और काम करूँगी फटाफट। और तो देखते हैं क्या होता है आपके साथ, बने रही मेरे ब्लॉग में। ठीक है ना, यहाँ पे सारे पानी आनी भर दिया है। सबसे पहले ना यही काम होता है, पानी आनी भर जाए। अरे यार मैं वन प्लस की वजह से ना ये फ़ोन कैमरा उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके आने में दिक्कत भी हो रही है, और इससे कैमरा साफ भी नहीं आ रहा है क्लियर जैसे आना चाहिए। और वन प्लस ही हुआ तो वैसे मेरा बेटा कह रहा था मम्मी मेरे लिए आईफोन ले दे, मैंने कहा अभी नहीं, जब तू मैंने कहा बाद में ले लेना। और वैसे ना आईफोन बहुत महंगा आ रहा था, 50,000 का, बाप रे। मैंने कहा रहने दे यार, मैंने जो जितना तो आईफोन लेगा उतना तो अपना कोर्स वोर्स करेगा, तो कहा वो पैसे कोर्स करने में रख दे, कोर्स करने में लगा ले, उसके लिए हमने तेल ले रखे हैं। उसको मैंने समझाया क्योंकि एक दो दिन से बहुत कर रहा था, वो जिद कर रहा था, बच्चे करते ही है यार जिदना, और उसकी उम्र ही अभी ऐसी है जिद करने की। और बोला था मम्मी मेरे लिए आईफोन लो, एक दो दिन से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करके रखा था उसने। तो मैंने जैसे तैसे समझाया उसको, मैंने कहा यार तेरे पैसे रखे हैं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे आईफोन ले दूँ और तू कोर्स नहीं कर पाएगा, तू
क्योंकि अब तेरे 2 साल हैं और 11-12 पास होके तू कोर्स करेगा कुछ, हमने उसके लिए तेरे लिए पैसे रखे हैं। अगर तेरे को आईफोन लेना है तो ले ले और कोर्स नहीं कर पाएगा, तो इसलिए समझाया उसको, तो समझ गया वो। तो मैंने कहा तो उन पैसों को ऐसे फालतू वो मत कर, तब भी मेरा फ़ोन रख ले वन प्लस। तो मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया समझा बुझा के। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेरा तो क्या है और बच्चों का पहला देखना ठहरा, तो मैंने समझा दिया उसको। तो अब उसके लिए जो हमने पैसे रखे हैं ना वो कोर्स करने में लगाएंगे उसको, और तो इसलिए बात है। ये ना 16-17 साल की उम्र ही ऐसी होती है जो बच्चे समझ बहुत कम समझते हैं, समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और इस वजह से यार बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने समझाया उसको तो समझ गया वो, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था और आपस में, और उसके वजह से ना छोटे ने भी, और अब छोटे वाला भी फ़ोन चलाने लग गया। उसके लिए भी लिया फिर परसों फ़ोन, ऐसी सस्ता फ़ोन लिया 7-8 हज़ार का। कह रहा था मम्मी मेरा स्कूल का काम आता है, तो मैंने कहा ठीक है यार ले ले, तो ले लिया। अब पता नहीं बिगड़ेंगे जो करेंगे पता नहीं, और बिगड़ने वाले बच्चे तो ऐसे ही बिगड़ जाएंगे, और अब देखते हैं क्या होता है करके। कुछ माँ बाप के हाथ में भी होता है, और नहीं तो जिद कर रहा था मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये नहीं करता हूँ, क्या कर, परेशान हो गई थी मैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब सब समझ रहा है, कहना मान रहा है, अच्छे से सुबह उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, और तो ठीक चल रहा है। अब देखते हैं आगे को क्या होता है, भगवान जी जो चाहेंगे वही होगा। तो यार ये कैमरा में ना मेरी सारी चेहरे की झाइयाँ दिख रही है, क्या करूँ मैं बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें ब्लॉग बनाना, अजीब सा लग रहा है मेरे को, और देखते हैं क्या होता है करके। कोई एक बात बताना चाह रही थी, और जो हमारे ना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के और गणेश ओका वाले वो है ना, गणेश क्या नाम है उनका पता नहीं, सीधे पहाड़ से वाला चैनल है ना उनका, तो मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छे लगता है मुझको उनको ब्लॉग, और उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कॉमेडियन बनाते हैं ना वो, हंसा देते हैं बिल्कुल सभी को, जो दुखी भी होते हैं ना उनको हंसी आ जाती है। और तो उनकी शादी हो रही है हाल ही में 1-2 दिन पहले, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई, और क्योंकि हम भी उनके फ़ैन हैं, हमको उनका कॉमेडियन ब्लॉग देखना पसंद है और वीडियो देखना पसंद है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, उनकी जोड़ी सलामत रहे और जोड़ी बहुत खुशी से रहे, और बहुत अच्छा लगा उनका जोड़ी देख के, और उनकी दुल्हना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। उनके ब्लॉग देखी थी मैंने गीता ब्लॉग्स में, गीत ब्लॉग्स में। तो यार गणेश जी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 9 बजे हैं और मैं सिलेंडर भर के भी आ गई हूँ, सिलेंडर भर के रख दिया है मैंने, और यहीं पे है ऑफिस, भारत वाला गैस भर के लाई हूँ, और फिलहाल उसी से काम चलाना पड़ेगा, और मैं उसी से चलाती हूँ, क्या करूँगी। तो अब आगे का काम करती हूँ, दाल बनानी है, दाल बनाने रख दी है, और फटाफट और ग्रेवी प्याज टमाटर काट लेती हूँ तड़का लगाने के लिए, ठीक है। मौसम ना कुछ इस तरह से हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रखी है और धूप आई है आजकल ना हमारे पहाड़ों में, बहुत सारे मतलब काम हुआ है, क्योंकि गेहूँ ही हुए हैं, देखो आधा कट चुके हैं, आधा और हो रहे हैं। ये वाले खेत ना हमारे जेठानी जी के हैं, और उनके आधा कट गए, आधा काट रहे हैं, मैं तो दुकान में ही हूँ। ये भी थे थोड़ी बहुत गेहूँ, पर मेरी सासू माँ ने काट दिए हैं, और थोड़े बहुत गेहूँ मेरी सासू माँ ने काट दिए हैं, और मैं तो दुकान में ही हूँ, और अब मुझे मानने हैं वो, अब जब मशीन आएगी तभी मानूंगी, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। यार मैंने तो नाश्ता कर लिया है, अब मेरा ब्रूनो की बारी है, मैंने ब्रूनो को नाश्ता नहीं किया है, तो ब्रूनो को एक रोटी और थोड़ा दूध दे देते हैं ना। ब्रूनो तो है मेरा साथ ही, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, ये भी डर डर गए थे, ये वाले फ़ोन में ना नया फ़ोन मुझे रील्स बनाने में अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं बन पा रहे, पता नहीं क्यों मेरे को मन नहीं कर रहा है रील्स बनाना। एक बात जरूर है यार, आजकल किसी के बारे में कुछ बोलना बेकार है, और बस अपना काम करो, और किसी से कोई बोलता है तो बोल दो, नहीं बोलना चाहता है तो मत बोलो, क्योंकि बेकार है किसी के बारे में ऐसा बोलना,
और आजकल मैं देख रही हूँ ना ऑनलाइन वो भागृति जो उत्तराखंडी भागृति रावत है ना उनके बारे में फिर से सवाल जवाब उठ रहे हैं पता नहीं क्यों। और सच है क्या गलत है क्या सच है हमको क्या पता, पर जो भी है हमको क्या लेना है यार, उनकी फैमिली है उनका वो है। और मैं तो नहीं बनाऊँगी उनके बारे में कोई ब्लॉग व्लॉग, बना रहे हैं लोग फिर से ब्लॉग उनके बारे में और झूठी सूटी पता नहीं क्यों कह रहे हैं। मालूम अपने आप रहता है उसकी लाइफ उसकी मर्जी, वो चाहे कुछ भी कर सकती है। और हम कौन होते हैं उनके फैमिली में और उनके घर वाले में उनके बारे में बोलने वाले। और बिष्ट जी ने जो भी किया उनकी मर्जी और उन्होंने जो भी किया उनकी मर्जी, हमको ही नहीं होते उनके बारे में बोलने वाले। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती यार, मैं खाली ठीक नहीं है और मेरे को अच्छा नहीं लगा उनके बारे में ऐसा बोलना। और जो हमने बोल दिया बोल दिया, और उनकी मर्जी है उनकी लाइफ है वो कैसे भी जिए ना, तो ऐसी है ना, बेकार है किसी के बारे में ऐसा बोलना। तो हो सके तो आप भी कुछ मत बोलो जो उनके बारे में ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, मत बनाओ रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छा चीज़ों में बनाओ ब्लॉग। ब्रोनू ने एक रोटी खा लिया आज, इसको भूख लगी है, एक रोटी और खिलाती हूँ मैं ब्रोनू को। चलो ब्रोनू मैं लोटी ला ली हूँ भोग के लिए, ठीक है। मम्मी भी आई है, जिमी ना माँ बनने वाली है और इसको ना बन देते हैं। ये देखो इस पर हाथ पे नहीं खाती है यार जिमी, इसको ना जमीन में रख के देना पड़ता है तब ये खाती है। ले जिमी खा मेरा बच्चा, देखो जिमी ये ब्याहने वाली है, उसके थन देखो कोई ऐसी करेंगे मेरे जिमी के पेट में, देखो बच्चा है ये, देखो यहाँ पे एक बच्चा दो बच्चा पता नहीं, बूढ़ी होगी हमारी जिमी फिर भी माँ बनने वाली है ये। जिमी से प्यार क्यों है ना मालूम, रोज आ जाती है डेली डेली, छोड़ती नहीं है ना। ये देखो ये कैसे हो रही है जिमी तन मन कार। ब्रोनू को ना मैंने एक रोटी खिला दी है और अब रोटी नहीं बची थी तो मैंने कहा थोड़ा एक बन दे देती हूँ दूध के साथ, और खाता है नहीं खाता है ना मालूम पता नहीं, ये ना बन कम ही खाता है, इसको पसंद नहीं है, दूध में भी जाके खाता है। लो बलोनी आ जाओ मेरा बच्चा, ये देखो लो बलोनू खा लो मेरा बच्चा, खा रहा है यार इसको आज भूख लगी है। कभी कभी ना ये खाना ही नहीं खाता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, और इसको ना हाथ पे खिलाना पड़ता है। ये देखो क्या करें, ऐसा है ना हमको कुत्ते रस्ते नहीं थे और साल साल भर में मतलब छः छः महीने में मैं लाती थी वो मर जाते थे, और ये अब इससे मुझे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। इसको हम कैची दाम से लाए तो मैं इसको ना नीम करोली बाबा का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि वहीं से लाए हम इसको, रास्ते में था ये बेसारा और तो मैं वहीं से उठा के लाए, और इसको हम बहुत प्यार से रखते हैं और आशा करती हूँ कि ये हमको धोखा नहीं देगा, हमारे साथ लाइफ टाइम के रहेगा ये। और तो मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने ब्रोनू को, है ना जानवर बहुत वफादार होते हैं और हम इनको जितना प्यार दो ना ये दोगुना प्यार लौटाते हैं, इस वजह से। देखो उन्होंने ना सारा खाना खा लिया है, अब मेरा ब्रोनू आराम करेगा। और इसके पैर में ना पता नहीं यार क्या हो गया, ये लाल लाल हो गए, मेरे को लग रहा है चिकन मटन ज़्यादा दे दिया इसको, गर्मी की वजह से ना दाने हो रहे हैं इसके हाथ में, और इसके लिए दवाई लानी पड़ेगी मुझे। कर दो मैं पानी लेके आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे को प्यार निकलोगे यार, हाथ हाथ धो लेती हूँ फटाफट, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये कुत्ते को खाना खिला रही है हाथ नहीं धो रही है और वो नहीं कर रही है, ऐसी खाना बना दे रही है। और मैंने साबुन भी लगा दिया, हाँ एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है इसलिए आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आप समझोगे कि खाना ऐसे ही बनाती है बिना हाथ धोए। अच्छा लगा मुझे मेरे ब्रोनू ने ना एक रोटी और एक बन खा दिया, नहीं तो ये खाना ही नहीं खाता, इसकी भी टेंशन लगी रहती है मुझे। तो चलो यार चलते हैं और काम करते हैं, अब मैंने दाल उबाल दी है, अब इसको मैं फ्राई कर देती हूँ और सब्जी बन चुकी है, फिर मैं ना फटाफट मोमोज बना लेती हूँ। रीति रावत के बारे में बता रही थी और उनके उसमें ना कई लोग हैं जो कमेंट करते हैं और मुझे भी करते थे, मैंने तो ऐसे ही बोला, पर पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत है ना मालूम, तो अपने आप करते हैं जो कमेंट करता है, गलत भी करते हैं तो करने दो, मैं नहीं दूंगी उनका जवाब क्योंकि ठीक नहीं है, और मेरी कौन सी किसी के साथ दुश्मनी है, अगर वो लोग मुझे गलत समझते हैं मेरे बारे में बुरा सोचते हैं तो कोई बात नहीं, सोचने दो, और बस मैं अपना काम करते रहूं वही ठीक है ना। जिम्मी ये जिम्मी है, ये छोटी छोटी है, रो रही है यार पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है ना मालूम उसको, रो रही है।
तो बता भी सकता है ना, मुझे तकलीफ हो रही है करके, जानवर बता भी नहीं सकता कि मुझे क्या हो रहा है, कैसी तकलीफ हो रही है करके ना। तो इस वजह से जिमू माँ बनने वाली है, और पता नहीं इसका बच्चा हो जाएगा, शायद 2-4 दिन में हो जाएंगे, पर बहुत तकलीफ हो रही है उसको, रोती है, रोज आती है तो रोती है, पता नहीं क्यों रोती है ना मालूम ही। देखो तेरा पेट नहीं भला, अभी मैं रोटी बनाऊंगी फिर तेरे को रोटी दूंगी। हाँ बन खाया मेरे बच्चे ने, और दो बन। यहाँ पे ना बासी रोटी पड़ी है ये वाली, तो मैं इनको गरम करके तोड़ ताड़ के जिम्मी को देती हूँ दूध में डाल के। और वो माँ बनने वाली है ना, खाली पेट उसके बच्चे क्या खाएंगे पेट में। और थोड़ा ये फैन के धूसे मुँह से पड़े हैं, और इसको भी दे देती हूँ बना बनू के, इसको खाएगी जिमी तो थोड़ा उसका भूख शांत होगी। आधा 1 किलो ना दूध मेरे ब्रून बच्चों कुत्ते के लिए होता है, ब्रूनो और जिमी के लिए, जिमी हमारे लिए है। जी दूध गिर गया सारा, ले 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 हाँ जिमू हाँ। मैं अभी यहाँ से पैसे निकाले रही थी, तो मेरा छोटा बेटा ना अपना फ़ोन ऐसे रख के गया ही, बिल्कुल पैक कर कुर के स्कूल गया है। ये है उसका फ़ोन का डब्बा, और यहाँ पे पड़े हैं मेरे बेटे के फ़ोन बड़े वाले का, एक तो मैंने दिया है उसको 1+, और एक उसका है, और कल ये मेरे लिए लाए ये वाला वीवो वाला, मैंने कहा मैं इसी से काम चला लूँगी यार अभी। और इसकी रेट पता नहीं कितना है, कह तो रहे थे 11.5 का है करके, पता नहीं यार भगवान जाने। चलो जो भी है थोड़ा बहुत मेरा काम चल जाएगा थोड़े दिन बाद में, फिर ना मैं कैमरा ही लूँगी, गोप्रो लूँगी जो भी है ना। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, और एक 11th में चला गया, तो अभी ना मुझे उनकी टेंशन है, उनको कोर्स कराना है, और तो उनके लिए पैसे जमा करने हैं, इस वजह से मुझे अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। अभी मैं महंगा फ़ोन नहीं रख सकती, मैंने कहा बच्चे को तू रख ले मेरा 1+, और बाद में मैं देख लूँगी। अभी हमने होम स्टे का भी किया है, और होम स्टे बन जाएगा, और बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा करके कोर्स करा के फिर देख लेंगे, और जो भी होगा। अभी मैंने अपने बच्चों पे ध्यान देना है, खर्चा नहीं करना है, और ब्लॉग को तो क्या वीडियो मैं शेयर करते रहूँगी जैसा भी बनेगा। ठीक है ना, मैं बना रही हूँ अभी दाल के लिए ग्रेवी, प्याज टमाटर काट के, और मसाला बना लेती हूँ, दाल में ना तड़का लग जाएगा, फिर जाके और काम कर लूँगी। मेरी दाल उबल चुकी है, आज मैंने दाल ना घर की दाल बना रखी है, मसूर चना सब डाल रखा है इसमें। आलू पराठा खाने वाले आए थे, उनको आलू पराठा बना के खिला दिया है, अब मैं मोमोज बनाती हूँ। मैं मोमोज बनाए रही थी तो नाश्ता वाला आ गए थे, मैंने उनको नाश्ता करा दिया, 2 जने थे, आलू पराठा खिलाया उनको, और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं मोमोज। मोमोज बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो यार ना चाउमीन उबालने में बड़ा दिक्कत होता था, मैंने कनिस्टर काट के इंडक्शन में ना ऐसे रख के उबालती हूँ चाउमीन, देखो बहुत आसान तरीका है, पानी भी नहीं उबालता है।